यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो आज ईद का त्योहार है और इस त्योहार में और मिठास भरने के लिए सिख समाज के लोगों ने आपसे भाईचारे का संदेश दिया है। सिख समाज के लोगों ने एक सराहनीय पहल करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों का रोजा खुलवाने के लिए टोहाना तूर नगर स्थित गुरुद्वारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया और फलाहार से मुस्लिम समाज के लोगों का रोजा खुलवाकर समाज में भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान कुलविंदर सिंह ने बताया कि समाज में जात पात के नाम पर नफरत बढ़ती जा रही है। इस नफरत को समाप्त करने के लिए एक प्रयास किया गया है जो कि भविष्य में भी जारी रहेगा। वहीं इस दौरान मुस्लिम समाज के सुफियान खान ने बताया कि लंबे समय से समाज में हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है, उसे समाप्त करने के लिए सिख समाज दोनों समुदाय के लोगों की ओर से एक प्रयास कर रहा है। आज यहां आकर खुशी हुई है, हम सिख समाज के लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। भाईचारा बनाने के लिए, सब जात पात मिटाने के लिए ये एक प्रयास है। हमारे गुरु साहिबान की शिक्षा ही ये है, उसे परंपरा को अगे बधाने, उसे परंपरा का पालन करते हुए असं दरवाजे बेच के पुछता है। इस करके ताकि बराबरी भाव बढ़े, भाईचारा पैदा हो, जात पात कोई नहीं होनी चाहिए। जिस भी होर अगे लेके जाएंगे, हमारा ये प्रयास रहेगा। ये हमारा हमारी पुरानी विरासत है, 400-500 साल से जो चला आ रहा है, हिंदू मुसलमान सिख, एक जो भारतीय संस्कृति है जीवंत रखने का एक उदाहरण है, या जिसको मैं कहूँ कि एक सिख भाई हमारे लिए या हमारा उनके लिए जो प्यार है, ये प्यार है हमारा। इसी तरह हम कोशिश करेंगे, बना रहे इंशाल्लाह, और हमारी हर तरह से कोशिश है कि हम इसे आगे भी इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे।